नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व कार्ड या बजाज ईएमआई कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये कार्ड अभी सभी पिन कोड पे अवेलेबल हो गया है। ऑलमोस्ट 80-90% पिन कोड पे अवेलेबल हो गया है। कुछ लोगों को पता है बजाज फिनसर्व कार्ड के बारे में और कुछ को अभी भी नहीं मालूम है। दोस्तों, ये कार्ड अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या आपको नुकसान होंगे और क्या बेनिफिट होंगे। मेरे पास बजाज कार्ड 1.5 साल से है, 90,000 रुपये की इसकी लिमिट है। तो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई, मैं सारी इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता और बड़ी आसानी से ओनली 2-3 मिनट में ये कार्ड अप्रूव भी हो जाता है और वर्चुअल कार्ड आ जाता है। फिजिकल कार्ड तो अब नहीं मिलता, लेकिन वर्चुअल कार्ड आपका 2-3 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में शो करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट ये है इस कार्ड के कि अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको ये कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पहले ये कार्ड लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, आपको किसी शोरूम पे जाना पड़ता था या फिर किसी दुकान पे जाके आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। उसके बाद में आपको उसकी प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती थी, वो 1,000-1,200-1,500 तक की ले लेते थे, फिर ये कार्ड आपको मिलता था बजाज का एग्जिटिंग कस्टमर होने के बाद। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया है अगर आप बजाज के कस्टमर नहीं हो तो। पहले बजाज के अगर कस्टमर थे आप तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर आप बजाज के कस्टमर नहीं भी हो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए थम्स अप है बजाज को, तो ये कार्ड बड़ी आसानी से दे रहा है। दूसरा, इसका ये नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। अगर आप कोई 10,000-20,000 का प्रोडक्ट लेते हो और वो पैसे आप 6 महीने में देना चाहते हो और 6 महीने की आपने ईएमआई कर ली, इसमें 3 महीने की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, होने को तो इसमें 24 महीने की भी होती है, लेकिन उसमें चार्जेस लगेंगे आपके। लेकिन अगर आप 6 महीने तक इससे कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आपको जितने का आपने प्रोडक्ट लिया है उतना ही पैसा आपको इसमें देना पड़ेगा। तीसरा, इस कार्ड का बेनिफिट ये है, अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो बजाज ने आरबीएल बैंक के साथ टाई अप कर लिया है, आप उनका क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। प्री अप्रूव में आपको क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के नीचे है फिर भी आपको ये कार्ड बड़ी आसानी से दे देंगे प्री अप्रूव ऑफर में। चौथा बेनिफिट इसका ये है, इस कार्ड की लिमिट बड़ी जल्दी इंक्रीज करते हैं ये लोग। मेरी देख लीजिए 90,000 की लिमिट है, जब मुझे ये कार्ड मिला था तो सिर्फ 10,000 की लिमिट मिली थी 1.5 साल पहले, अब इसकी लिमिट उन्होंने 90,000 कर दी है। बड़ी जल्दी जल्दी लिमिट बढ़ाते हैं, अगर आप एक दो प्रोडक्ट इनसे खरीद लेते हो इसके कार्ड के थ्रू तो बड़ी जल्दी लिमिट बढ़ा देते हैं। और ये बिना इनकम डॉक्यूमेंट्स के मिलेगा आपको, कोई इनकम डॉक्यूमेंट देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ इस कार्ड के नुकसान क्या है और मेरे साथ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई 1.5 साल के अंदर, आपको ये बता देता हूँ। पहली बात तो इस कार्ड को कहीं स्वाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल कार्ड है। अगर वर्चुअल कार्ड भी है तो कहीं इस क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन आपको इस कार्ड से कुछ नहीं मिलेगा, खाली प्रोडक्ट के अलावा, खाली जो नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट मिल रहा है वही इस कार्ड से ले सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के लिए ये नहीं भी हो सकती। दूसरी, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कार्ड लेते हो और आपने सोचा है कि मैं एक मोबाइल लूं और वो मोबाइल आपको पसंद आ गया है, कि जरूरी नहीं है कि वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल ही जाएगा बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू। हाँ, ऑफलाइन में आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको प्रोसेसिंग फी लगेगी, चाहे आप एक बार लो या दो बार लो या चार बार लो, जितने भी आप प्रोडक्ट लेते चले जाओगे उस पर आपको प्रोसेसिंग फी आप देते चले जाओगे उसमें ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आप इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगती, नो कॉस्ट है, लेकिन ऑनलाइन में 100 में से 10 प्रोडक्ट ही ऐसे होंगे इस कार्ड से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस कार्ड की अगली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कार्ड ले लूंगा और इस कार्ड को यूज करने के बाद मैं कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लूंगा, तो इस कार्ड से कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इस कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस कार्ड की सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है क्रेडिट स्कोर। बहुत लोग इस कार्ड को क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए लेते हैं। हाँ, क्रेडिट स्कोर बढ़ता है इस कार्ड से, लेकिन क्रेडिट स्कोर गिरता भी उतनी जल्दी इस कार्ड से। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप इस कार्ड से कोई प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आपके कार्ड की 50,000 लिमिट है और आपने इस कार्ड से 3 प्रोडक्ट ले लिए 10-10 हजार के,
या फिर आपने चार प्रोडक्ट ले लिए 10-10 हज़ार के, या जितने के भी तीन प्रोडक्ट ले लिए, तो क्रेडिट स्कोर में आपको अलग अलग लोन शो होंगे। जितने प्रोडक्ट आप लेते चले जाओगे उतने ही लोन शो होंगे। क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं कि एक ही क्रेडिट कार्ड एक्टिव दिखाएगा, जितने आप लोन लेते चले जाओगे उतने ही कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन उतने ही आपके क्रेडिट स्कोर में एक्टिव होंगे, और वो क्लोज होने में 9 महीने 6 महीने की अगर आपने ईएमआई ली तो 9 महीने लग जाते हैं। इसमें बहुत पंगा है। इस कार्ड की अगली प्रॉब्लम ये है कि इसकी कस्टमर सर्विस एकदम घटिया है। हिंदुस्तान की सबसे घटिया कस्टमर सर्विस इसी कार्ड की है। अगर आपने मान लो अमेजोन से कोई प्रोडक्ट लिया इस कार्ड के थ्रू और वो प्रोडक्ट आपने कैंसिल कर दिया, वो आपको नहीं चाहिए, तो आपका रिफंड आने के पहले कस्टमर केयर वाले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आपने वो कॉल मिस कर दी या कॉल आप अपने काम में बिजी हो गए और वो आपने कॉल नहीं उठाई, फिर नेक्स्ट बार फिर करते हैं, दो बार ही करते हैं, तो आपको वो आपका कार्ड वो ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक ऐसा करेंगे कि वो ना तो उनके कस्टमर केयर वाले ओपन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और ना ही उनकी ब्रांच वाले। कस्टमर केयर में फोन करोगे आप, वो बोलेंगे कि आपका कार्ड ब्रांच से एक्टिव होगा, ब्रांच वाले बोलेंगे कि तो ये कार्ड एक्टिव है ऑलरेडी। हालांकि इस कार्ड को अगर आप एक्टिव कराना चाहते हो, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो दुकान से आप कोई भी सामान लो, दुकान वाला 5 मिनट में एक्टिव करके दे देगा। ये कार्ड का ये चाल है इन लोगों की। बाकी कस्टमर सर्विस इस कार्ड की बहुत घटिया है। इस कार्ड की अगली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो लेने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कार्ड पे चिपका के दे देते हैं। सभी कस्टमर को नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कस्टमर, बहुत मैंने इसके रिव्यू पढ़े भी हैं, बहुत कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने कार्ड ले लिया तो जैसे क्रेडिट कार्ड आपके घर में आता है ना, और वो कॉल करके बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस ले लो, अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है या खो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उसको इंश्योरेंस ले लो। इसी तरीके का एक हेल्थ इंश्योरेंस या किसी और चीज़ का इंश्योरेंस इस कार्ड पे ऑटोमेटिक वो चिपका देते हैं, और वो इंश्योरेंस भी बहुत मुश्किल से हटाते हैं, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इंश्योरेंस के पैसे आपसे जाते रहेंगे। तो अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो इस बारे में आपको सावधान रहना होगा इस कार्ड को लेने के पहले। इस कार्ड में जो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं इस कार्ड को लेके, इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा भी है और आपकी ईएमआई संडे या सैटरडे को कट रही है तो वो नहीं काटते हैं, सभी के साथ नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कार्ड का पेमेंट बैंक से ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता सैटरडे और संडे, और उसके बाद में आपका ईसीएस चार्जेस लग जाते हैं, 500 भी लग सकते हैं, 1000 भी लग सकते हैं। और अगर आपके बैंक में सच में पैसा नहीं था और इस कार्ड से पैसा नहीं कटा, इस कार्ड का पैसा नहीं कटा, आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, तो हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में, नेक्स्ट दिन या दूसरे दिन, मतलब इतने चेक डालेंगे, इतने ईसीएस लगाएंगे, तो आपको उनका चार्ज नो कॉस्ट ईएमआई में जो आपने सामान लिया था 10 हज़ार का, वो आपको 20-30 हज़ार रुपए का भी पड़ सकता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके अकाउंट से पैसा पड़ा हुआ है और नहीं कटा, उनसे चार्जेस लगा दिए, और जिनका सच में अकाउंट में पैसा नहीं था उनको एक बार चार्ज लगाना था, लेकिन ये बार बार चेक डालेंगे और बार बार पेनल्टी लगाएंगे। उधर बैंक लगाएगा पेनल्टी, इधर ये लगाएंगे पेनल्टी, 500 बैंक लगाएगा, 500 ये लगाएंगे, तो मतलब बहुत खराब सिस्टम है इनका। इस कार्ड से अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करोगे, ऑनलाइन में तो प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, अगर ऑफलाइन शॉपिंग करोगे तो जितनी बार भी आप शॉपिंग करोगे उतनी बार ही प्रोसेसिंग फी लगेगी। नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फी के नाम पे वो नो कॉस्ट ईएमआई का चार्जेस ले लेते हैं। वो दुकानदार के अकाउंट में जाता है या फिर बजाज के अकाउंट में जाता है, वो तो वही जाने, लेकिन हर प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोसेसिंग फी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये थे इस कार्ड के नेगेटिव पॉइंट। अगर अभी भी आप चाहते हैं इस कार्ड को लेना, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी बने हुए हैं, तो आपने कार्ड अप्लाई करना सीख लिया होगा, और अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी कार्ड है और आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं परमानेंटली, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।